कर्नाटक का बहुत शांत बातापाड़ी तट। राजीवी ने यहाँ अपने सपनों का घर बनाया था। 26 साल पहले मेरी शादी हुई थी और 4 साल बाद हमने ये घर बनाया था। मेरे पति हेल्पर थे, 500-500 रुपए दिहाड़ी कमाकर उन्होंने ये घर बनाया। अब वह नहीं है। हम लोग इस घर में बहुत खुश थे। समंदर दिख जाए, ऐसी लोकेशन कहाँ मिलती है। मेरा सपना था कि मेरी बेटी की शादी इसी घर से हो। लेकिन पिछले साल उनका सपना टूट गया। राजीवी की जिंदगी किसी बुरे सपने में बदल गई। बातापाड़ी तट समुद्र और जमीन के संघर्ष का नया मोर्चा बन गया है। प्रचंड मानसूनी हवाओं से बिफरा समुद्र तट को छींचने लगा, फिर ये राजीवी के दरवाजे पे आ धमका। लहरें इतनी गरज रही थी कि हम लोग शोर की वजह से सो नहीं पाए। पिछले साल गांव पंचायत ने हमें यहाँ से निकाला। मैंने कहा था कि मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि जाऊंगी भी कहाँ। 2022 में समुद्री कटाव ने सड़क को निगल लिया। सड़क के जिन हिस्सों को समुद्र से बचाने के लिए बोरे रखे गए थे, सब बह गए। अब किनारों पर उन मकानों के अवशेष बचे हैं जो कभी तट से सटे हुए थे। बातापाड़ी भारत के उन तटीय इलाकों में है जहां समुद्र बढ़ने लगा है और यहां ये तेजी से हो रहा है। महज 5 साल में समुद्र करीब 100 मीटर जमीन निगल चुका है, फुटबॉल के एक मैदान जितनी जमीन। इसकी वजह समझने के लिए हमें 30 साल पहले और उत्तर की ओर 10 किलोमीटर दूर जाना होगा, जहां से इसकी शुरुआत हुई, मंगलुरु बंदरगाह, जहां दो नदियां समुद्र में मिलती हैं। दोनों नदियां रेत और गाद लाती हैं और समुद्र उसे पीछे धकेलता है। सब कुछ बंदरगाह के मुहाने पर फंस जाता है। ये इलाका यहां से रोजाना गुजरने वाली करीब 2000 नावों के लिए खतरनाक बन चुका है। पहले नाव डूबना आम बात थी। 3-4 नाव डूब ही जाती थी और कुछ लोग मारे गए क्योंकि यहाँ गहराई कम थी। इस समस्या से निपटने के लिए 90 के दशक में बांध बनाए गए। ये ब्रेक वाटर मछुआरों के बड़े काम आए। ब्रेक वाटर यानी चट्टानों के ढेर और बोरों से बना बांध जो रेत को आने से रोकता है। ये सुनिश्चित करते हैं कि चैनल गहरा रहे और इसमें रेत न हो। इससे मछली पालन तो बढ़िया हो गया, लेकिन तट का भूगोल बदल गया। लहरों की स्वाभाविक प्रवृत्ति तटवर्ती प्रवाह की होती है। तटवर्ती प्रवाह यानी पानी का तट के समानांतर बहना। इसे लिटोरल ड्रिफ्ट कहते हैं, जब तट से टकराने वाली लहरें इसके समानांतर बहने वाली धारा बनाती हैं। इस इलाके में धारा और इसके साथ तट की रेत उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। जहाँ भी तटीय रेखा पर चट्टान उभरी होती है, वो गाद के खिलाफ बैरियर का काम करती है। हमने पाया कि चट्टानी उभारों के उत्तर में गाद भरती जाती है और दक्षिण की ओर कटाव होता जाता है। मंगलुरु बंदरगाह के मामले में ब्रिक वाटर चट्टानी उभार की तरह था। इसने रेत का बहाव रोक दिया। कुछ ही सालों में रेत इसके ऊपर जमा होने लगी और नए चौड़े तट बन गए। इससे मछुआरों और ब्रिक वाटर के उत्तर की ओर रहने वालों को फायदा हुआ, लेकिन दक्षिण के लिए ये अभिशाप था। रेत और जमीन के कटाव की वजह से मकान, सड़कें और खेत बह गए। कई नाकाम कोशिशों के बाद 2018 में सरकार ने ब्रिक वाटर के दक्षिण में तटों की सुरक्षा के लिए $10 करोड़ का प्रोजेक्ट शुरू किया। तट को सी वॉल के जरिए मजबूत बनाया गया। इससे एक हद तक सुरक्षा मिली। समुद्र की गहराई में कृत्रिम रीफ बनाए गए ताकि लहरें टूटें और तटों की ओर आते हुए उनका वेग कम हो। लेकिन जयप्पा कहते हैं कि सी वॉल या रीफ जैसे उपाय दूसरी जगहों पर नई दिक्कतें पैदा कर देते हैं। जब आप किसी जगह सी वॉल बना देते हैं तो कटाव की समस्या चाहे उत्तर हो या दक्षिण, पास के इलाके में चली जाएगी। तो हम समस्या हल करने के बजाय उसे एक से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं। सी वॉल के निर्माण में यही हो रहा है। ब्रेक वाटर्स की तरह ये सी वॉल और रीफ भी लहरों को बिना सुरक्षा वाले इलाकों की ओर भेज सकते हैं। बातापाड़ी और राजीवी के घर में यही हो रहा है। वे बगल के तट को बचाने की कीमत चुका रहे हैं।
समुद्री कटाव की समस्या जल्द खत्म होने वाली नहीं है। भारत में कई नए बंदरगाह बनाए जा रहे हैं, यानी और ब्रिक वाटर और सी वॉल बनाई जाएंगी। बंदरगाहों से इतर भी कुछ गतिविधियां हैं जिनसे कटाव बढ़ेगा। नदियों पर और बांध बनाए जा रहे हैं जो समुद्र की ओर गाद का बहाव कम करेंगे। भारत की 34% तटीय रेखा यानी करीब 2300 किलोमीटर के तट छीज रहे हैं। इन्हें बचाने के लिए अरबों डॉलर चाहिए। ज्यादा कटाव का मतलब है ज्यादा सी वॉल, और ज्यादा सी वॉल का मतलब है कि दुष्चक्र कायम रहेगा। हमारा कहना है कि आप जो भी तकनीक उपयोग करें और भी जो कुछ करें, वो कुदरत के खिलाफ काम नहीं आएगा। हमारा तर्क है कि हमें सी वॉल के बजाय ग्रीन वॉल बनानी चाहिए। ग्रीन वॉल जैसे कैजुरीना, बाइलोबा या पेस का प्रयोग आए। ये लहरों और हवा का वेग कुछ हद तक कम कर देते हैं। हमारा यही मानना है कि सी वॉल के बजाय ग्रीन वॉल बनाए। बातापाड़ी में अगले मॉनसून की चिंता भी है। इस साल हालत और बुरी होगी, और मकान बहेंगे और जमीनें जाएंगी। यहाँ रहने में सबको डर लग रहा है। तमाम छोटी बड़ी कोशिशों के बावजूद सबसे सही उपाय की तलाश जारी रहनी चाहिए।